दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रबड़ी घेवर बनाने का इतना ज़बरदस्त और आसान तरीका कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना तो आपका भी मन घेवर बनाने का ज़रूर करेगा। इतनी आसान रेसिपी है ये। रबड़ी भी हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाई है और यकीन मानिए इसे खाने के बाद में कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये घेवर आपने घर पर बनाया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि जो घेवर आप 700-800 रुपए किलो मार्केट से लेकर के आते हैं वो आप नाम मात्र के खर्चे में घर पर बना सकते हैं। जाली देखिए आप कितनी परफेक्ट बनी है और बहुत ही टेस्टी ये घेवर लगते हैं मार्केट से भी ज़्यादा। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल कुकिंग में। सबसे पहले हम बनाएंगे रबड़ी। तो इसके लिए देखिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है जिसे मैंने अच्छे से उबाल लिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच चीनी। जो खाने वाली चम्मच होती है ना वही चम्मच से चीनी डाल रही हूँ मैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो और ज़्यादा मीठा भी डाल सकते हैं। 2 चमचे भर करके मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो 2 बड़े चम्मच जो सर्विंग स्पून होती है वो भर करके मैंने यहाँ पर डाला है मिल्क पाउडर। थोड़ा सा हम इसे उबलने देते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से केसर के धागे। पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप ये केसर के धागे डालना चाहें तो डालिए और नहीं डालना चाहें तो मत डालिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4-5 इलायची इस तरह से कूट करके, क्योंकि हम बिल्कुल मार्केट जैसी रबड़ी बना रहे हैं। तो ये हमने डाल दी है इलायची और अब लास्ट में इसको थिकनेस देने के लिए हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, तो वो हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स। तो 2 ब्रेड को मैंने मिक्सी जार में डाल करके पीस लिया था। आधा लीटर दूध में 2 ब्रेड काफ़ी रहेंगी, उससे ज़्यादा आप मत डालिएगा। और ये ब्रेड क्रम्स डालने के बाद में हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। जब ये रबड़ी आप खाएंगे ना तो उसमें ब्रेड का कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, बहुत ही टेस्टी रबड़ी लगेगी। तो अब हम इसे थोड़ी देर पका लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा बादाम। आप जो भी इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 ही चीज़ें ऐड की हैं। थोड़ी देर पकने देते हैं, थोड़ी देर में ये गाढ़ा हो जाएगा, मुश्किल से 2-3 मिनट ही लगेंगे। करीब 10 मिनट में ये रबड़ी बन करके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से उबल रही है और ये अब काफ़ी अच्छे से गाढ़े हो चुकी है। और सबसे लास्ट में थोड़ा सा इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे करीब 1 चम्मच देसी घी। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा देसी घी का इसमें और इससे कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये रबड़ी हमने घर पर बनाई है, वो भी 10 मिनट में। और करीब आधा से 1 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे और उसके बाद में गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो इसे अब हम रख देते हैं साइड में और इसके बाद में हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी बनाना भी बहुत आसान है, चाशनी बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में डाल देती हूँ 2 कटोरी चीनी। 2 कटोरी चीनी में 2 कटोरी में पानी डाल रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सा मेजरमेंट है इसकी चाशनी बनाने का। थोड़े से मैं केसर के धागे भी डाल रही हूँ, बहुत बढ़िया कलर आएगा चाशनी में। आप फूड कलर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास में केसर के धागे नहीं है तो। और 2 इलायची में इस तरह से फोल्ड करके डाल रही हूँ, इलायची आप कूट कर भी डाल सकते हैं। और अब इसे हम उबाल आने देते हैं। तो हमें इसकी कोई तार नहीं बनानी है, सिर्फ हल्की सी चिकनी चाशनी बनानी है, जैसे ऑयल होता है ना ऐसी। तो ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है, मैं चेक करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए तो चाशनी बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए बस हल्का सा चिकना लग रहा है ना, तो ये चाशनी तैयार है। इसे अब हम साइड में रख देते हैं और ठंडा होने देते हैं। तो चाशनी और रबड़ी दोनों चीज़ें तो हमारी हो गई हैं तैयार। अब हम चलते हैं घेवर बनाने के प्रोसेस में। तो करीब 3-4 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी, गरम करके लिया है मैंने ये घी। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ आइस क्यूब। इसके बाद में इस तरह से हम इसे फेटेंगे जब तक कि ये मक्खन जैसी फॉर्म में ना आ जाए। करीब 1-1.5 मिनट में ही ये मक्खन जैसा हो जाता है। तो इसके बाद में हम आइस क्यूब को कर देंगे अलग और उसके बाद भी हम इसे कंटिन्यू फेटते रहेंगे जब तक ये एकदम क्रीमी फोम जैसा ना हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की आसान टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए जो आइस क्यूब थे वो हमने अलग कर दिए हैं और इसके बाद भी मैंने इसे करीब 1-1.5 मिनट के लिए फेटा है और आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी फॉर्म में आ गया है। बस अब हम इसमें
मैदा डालना स्टार्ट करेंगे। तो आधा किलो मैंने यहाँ पर मैदा लिया है जिसे मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। तो अगर आपने ये प्रोसेस ध्यान से देख लिया ना तो आपके घेवर कभी भी ख़राब नहीं होंगे, एकदम परफेक्ट बनेंगे। ये देखिए जैसे हम आटे में मोइन लगाते ना बिल्कुल उसी तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मैदा डालती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। थोड़ा सा हम इसमें बेसन भी डालेंगे। तो आधा किलो मैदा में मैं करीब 2-3 चम्मच बेसन डालूंगी। तो ये देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये बेसन, साथ ही में डाल देती हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और उसके बाद में हम इसमें बचा हुआ मैदा डालेंगे। तो दोस्तों मैंने पहले भी अपने चैनल पर एक घेवर का वीडियो अपलोड किया हुआ है जो कि मैंने चाय पैन में बनाया है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपने ये घोल बनाने के प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया ना तो आप किसी भी बर्तन में घेवर बनाइए, हर बर्तन में आपके घेवर एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा तभी एकदम परफेक्ट घेवर बना पाएंगे। तो सारा मैदा मैंने मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एकदम ठंडा पानी। पानी भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ में पूरा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो करीब 1 से 1.5 लीटर पानी मैं अभी इस समय पर इसमें डालूंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। घेवर के घोल की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए ना ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि घेवर बनाने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि कभी भी घेवर के घोल में बहुत ज़्यादा घी नहीं पड़ता है। आधा किलो मैदा में आप 2 से 3 चम्मच घी लीजिए, अगर उससे ज़्यादा घी आप लेते हैं तो आपके घेवर एकदम सही नहीं बनेंगे। तो अब हम इसे छान लेते हैं। करीब 1.25 लीटर मैंने यहाँ पर पानी इसमें ऐड कर दिया है और अभी ये थोड़ा गाढ़ा है। गाढ़ा मैंने किस लिए रखा है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि हम हलवाई तो हैं नहीं कि सुबह से शाम तक हम घेवर बनाने का ही काम करते हैं, तो हमें हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है ताकि हमारा सामान नहीं बिगड़े। तो ये देखिए इस तरह का गाढ़ा है ये। अब मैंने इसको गाढ़ा इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसमें डाल रही हूँ आइस क्यूब, क्योंकि घेवर जो बनते हैं ना वो बिल्कुल ठंडे घोल के बनते हैं। तो ठंडा करने के लिए मैं यहाँ पर इसमें आइस क्यूब ऐड करूँगी। जब आइस क्यूब पिघलेंगे तो ये घोल अपने आप ही पतला हो जाएगा। तो दूसरी साइड मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में घी और ये घेवर मैं बना रही हूँ देसी घी में, क्योंकि देसी घी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो घोल की कंसिस्टेंसी आप इस समय पर देखिए, जब मैं चमचा इस तरह से आड़ा कर रही हूँ तो ये देखिए घोल तुरंत ही नीचे बह करके जा रहा है और चमचा नीचे से दिख रहा है, बस इस तरह का पतला घोल हमें चाहिए। अब हम घी चेक कर लेते हैं। तो घी भी हमें घेवर बनाने के लिए अच्छा गर्म चाहिए होता है। तो ये घी काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है और ये घेवर हम बनाएंगे कढ़ाई में। कोई सांचा नहीं, कोई पैन नहीं, कोई पतीला नहीं, डायरेक्ट कढ़ाई में। कोई भी मोटे तले की कढ़ाई आप ले लीजिए और उसमें ये घेवर बनाइए, एकदम परफेक्ट बनेंगे। अगर आपने घोल की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट रखी है, कितना घी घोल में डाला है, ये सभी चीज़ें अगर आपकी एकदम परफेक्ट होती है तो आप कढ़ाई में भी एकदम बढ़िया घेवर बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके मैं ये घोल कढ़ाई में डाल रही हूँ, करीब 1-1 चम्मच, बस उससे ज़्यादा नहीं, 1 छोटी चम्मच जितना घोल डाल रही हूँ मैं बीच में। आप साइडों से देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी लेयर बनती जा रही है। बस इसी तरह से सेंटर में 1-1 चम्मच घोल करीब डालते जाइए और जब ये पूरा कवर हो जाए तो बीच में कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, चम्मच या कुछ भी लेकर के इस तरह से आप इसे साइड में कर दीजिए और अब बीच में फिर से घोल डालना स्टार्ट कीजिए। बस 1-1 चम्मच जितना घोल डालना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में ये देखिए जब काफ़ी अच्छी सी लेयर बन चुकी है तो ये जो घेवर है ये कढ़ाई में अपने आप ही नीचे चला गया। हमें इसे साइडों से छुड़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, ये अपने आप ही कढ़ाई से नीचे चला गया। और ये अब इस तरह से मैं चमचे से गरम घी लेकर के इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए। और ये लीजिए हमारा घेवर बन करके तैयार है। रिजल्ट आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट ये घेवर बना है। जाली आप देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। तो है ना कितना आसान तरीका। तो जब आपका घेवर खाने का मन करे आप तुरंत किचन में जाइए और घेवर बना लीजिए। तो ये देखिए जाली देखिए आप कितनी परफेक्ट बनी है और बहुत ही बढ़िया ये घेवर बना है। देसी घी की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है।
और अब मैं आपको एक घेवर और बना करके दिखाती हूँ। बस इसी तरह से मैं सारे घेवर बना लूँगी। ये लीजिए, हमारा दूसरा घेवर भी बन करके तैयार है और ये भी आप देखिए कितना बढ़िया बना है। तो बस इसी तरह से सारे घेवर हम बना लेंगे। तो ये देखिए दूसरा घेवर कितना बढ़िया बना है और ये तीसरा घेवर भी हमारा बन करके तैयार है। तो बस इसी तरह से सारे घेवर बना लेने हैं। घेवर बना करके रख लीजिए, चाशनी बना करके रख लीजिए और रबड़ी बना करके रख लीजिए, और जब आपका मन करे आप तुरंत इस पर चाशनी चढ़ाइए और रबड़ी लगाइए और घर के बने देसी घी के घेवर का आनंद उठाइए। तो ये देखिए तीसरा घेवर भी हमारा बन करके तैयार है। आप इन्हें बिना फ्रिज के भी 10-15 दिन स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। हाँ, चाशनी और रबड़ी दोनों चीज़ें आप फ्रिज में रखिए। तो ये देखिए, अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितना परफेक्ट ये घेवर बना है, एकदम जालीदार। तो अब हम इस पर लगाएंगे रबड़ी, उससे पहले हम इस पर लगा लेते हैं थोड़ी सी चाशनी। चाशनी में थोड़ी कम क्वांटिटी में लगाऊंगी क्योंकि चाशनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है। इन पर थोड़ी चाशनी डालने के बाद में अब ये एक्स्ट्रा चाशनी जो नीचे प्लेट में निकल गई है, तो इस प्लेट को हम हटा देते हैं और दूसरी प्लेट में रख लेते हैं। इसके बाद हम इस पर रबड़ी स्प्रेड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रबड़ी भी हमारी कितनी ठीक हो गई है। दोस्तों, घर के बने घेवर की पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कम मीठा पसंद है तो मैंने यहाँ पर थोड़ी कम चाशनी डाली है। रबड़ी आपको जितनी मीठी रखनी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं लास्ट में इस पर थोड़े से केसर के धागे भी डाल देती हूँ और ये लीजिए हमारा हलवा स्टाइल रबड़ी घेवर बन करके तैयार है। तो इस सावन आप ये घेवर की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।